हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद आराध्या। जैसा कि हम अपनी नोटिस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए चल रहे हैं, तो फर्स्ट हमने नोटिस में फॉर्मेट किया था, देन हमने एनुअल डे सेलिब्रेशन का नोटिस किया था, फिर लॉस्ट बुक का नोटिस किया था, फिर लॉस्ट वाटर बॉटल का नोटिस किया था। आज हम इस नोटिस की सीरीज़ में देखेंगे फाउंड नोटिस को, फाउंड नोटिस कैसे लिखते हैं आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है फाउंड नोटिस, राइटिंग अ फाउंड नोटिस। दीज आर इशूड इनफॉर्मिंग अबाउट थिंग्स फाउंड एंड रिक्वेस्टिंग द ओनर टू कलेक्ट इट फ्रॉम द वन इशूइंग द नोटिस। यानी कि हम एक नोटिस लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें किसी की कोई चीज़ मिली और हमें उस ऑनर से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ अगर ये जिसकी भी है तो हम नोटिस के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आप उसको यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे लॉस्ट नोटिस के मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि लॉस्ट नोटिस में हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो चीज़ हमारी खो गई है उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ज़रूर बताना है वो लॉस्ट नोटिस में। फाउंड नोटिस में हमें क्या करना, व्हाट यू फाउंड, यानी कि हमें क्या चीज़ मिली है। डोंट गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। होम टू कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है, एंड वैन एंड वेयर टू मीट टू क्लेम इट, और हमें कहाँ और किस जगह इस चीज़ के बारे में जाके मिलना है, किसी को ये चीज़ बतानी कि तुम्हारी ये चीज़ है तो आप यहाँ से आके इसको कलेक्ट कर लो। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यू आर पूजा ऑफ 7th B इन DPS दिल्ली। यू हैव फाउंड अ पार्कर पेन इन स्कूल कॉरिडोर नियर प्रिंसिपल ऑफिस, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट इट। यानी कि आप पूजा हैं, 7th B के स्टूडेंट हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, एंड आपको एक फाउंड पार्कर मैन बना, यानी कि आपको क्या मिला है, पार्कर पेन स्कूल के कॉरिडोर में प्रिंसिपल ऑफिस के पास। तो आपको एक नोटिस इन्फॉर्म करना है बच्चों को नोटिस के थ्रू कि अगर ये किसी का भी है तो प्लीज़ वो आके मुझसे कलेक्ट कर लें। तो नोटिस का सबसे पहली मैंने बात आपको बताई थी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है, एंड इसकी लेंथ जो होगी वो 50 वर्ड के अंदर कंप्लीट हमें नोटिस अपना करना है। एंड मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन का नेम हम कैप्स में लिखेंगे, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हमने कैप्स में लिखा है, देन नोटिस भी हम कैप्स में लिखेंगे एंड सेंटर में लिखेंगे, एंड डेट ऑफ इशूइंग, इशूइंग ऑफ डेट यानी कि नोटिस जिस दिन इशू होगा उस दिन की डेट हम मैंशन करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। फिर हमें लिखना है अपने नोटिस का टाइटल या टॉपिक या हेडलाइन, जो भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसा हमारे टॉपिक का नोटिस है पार्कर पेन फाउंड, तो अब हम देखते हैं अपनी बॉडी की, हमने इसके अंदर बॉडी में क्या लिखा है। अ पार्कर पेन इज फाउंड लेइंग इन द कॉरिडोर नियर प्रिंसिपल ऑफिस ऑन 19 May 2022 ड्यूरिंग द लंच टाइम। एनीबडी हु हैज़ लॉस्ट अ पेन कैन मीट मी ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड एंड कैन हैव द वॉच आफ्टर गिविंग डिटेल अबाउट द पेन। तो इसमें क्या हुआ है कि एक पार्कर पेन मिला है, पार्कर कंपनी है उसकी पेन की, पार्कर कंपनी का हमें पेन मिला है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के नियर हमें मिला है, वो 19 तारीख को मिला है और लंच टाइम में मिला है। तो अगर किसी का पेन खो गया है तो प्लीज़ वो मुझे आके मिले रेसेस पीरियड में, और वो अपनी मतलब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये चीज़ उसी की है, उसके बारे में मुझे डिटेल दे और अपना पेन वापस ले जाए। तो इस नोटिस के बॉडी के अंदर हमने ये मेंशन किया है। देन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फिर साइन आएंगे, उसके डेजिग्नेशन वगैरह आएगी, तो यहाँ पे हम वो चीज़ मेंशन करेंगे। तो ये था फाउंड नोटिस का एक एग्जांपल जो हमने आपने इस वीडियो में कवर किया है। तो नोटिस की आगे सीरीज़ भी हम कंटिन्यू रखेंगे, इसमें अभी कॉम्पिटिशन का एक नोटिस आएगा एंड उसके बाद मीटिंग का एक नोटिस आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आप तक पहुंच सकें। एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।